बेरोजगारी व महंगाई के मुद्दे पर जिला शहर कांग्रेस के संयुक्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज की सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। शुक्रवार को पार्टी की ओर से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। जिला शहर कांग्रेस के बैनर तले जुटे सैकड़ों कांग्रेसी बालसन चौराहा स्थित नेहरू प्रतिमा पर इकट्ठा हुए। जिला प्रशासन ने कांग्रेसियों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इससे नाराज कांग्रेसियों ने महंगाई विरोधी नारे लिखी तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने आनंद भवन की सड़कों पर दो जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी, जिसे प्रदर्शनकारियों ने गिराते हुए आगे बढ़ गए। स्वराज भवन के आगे कई थानों की फोर्स और भारी पुलिस बल व पीएसी ने कांग्रेसियों को रोक दिया, जिससे आक्रोशित होकर नेताओं ने वहीं सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने विरोध कर रहे पार्टी नेताओं को सड़क से हटाने के लिए हल्के बल का प्रयोग करते हुए गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जिसमें 5 दर्जन से अधिक नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनको नियमानुसार उनको अभी प्रिजनमेंट में बैठा के यहाँ से ले जाया गया है, बाकी नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? लगभग 15-20 लोग थे। वहीं गिरफ्तारी के दौरान प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी और जिला प्रवक्ता हसीब अहमद को हल्की चोट भी आई। वहीं पार्टी कार्यकर्ता इश्तियाक अहमद का हाथ भी टूट गया। जिलाध्यक्ष अरुण तिवारी और सुरेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोग महंगाई की मार के नीचे कुचले जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरा देश की जनमानस बढ़ती महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगा दिया गया, जिस तरीके से महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है, अग्निवीर योजना, युवाओं के सपनों को तोड़ने वाली योजना, इन तमाम जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश व्यापी हल्ला बोली है, उसको लेकर हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, किस तरीके से तानाशाही के बल पर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के दम पे, उनके लाठियों के दम पे हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आज हम महंगाई को लेकर पूरे देश में हल्ला बोले हैं, जगह जगह पे कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी के खिलाफ, अंगहीनवीर के खिलाफ आवाज उठाए हैं। देखिए किस तरीके से हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी का पूरे 7% विरोध प्रदर्शन था, जिसके बाद आज इलाहाबाद कांग्रेस यूथ कांग्रेस गांधी प्रतिमा के बगल में नेहरू प्रतिमा हम लोग का आदर्श को आज वहां पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और पैदल मार्च कचहरी तक कर रहे थे, जिसमें बलपूर्वक योगी और मोदी की पुलिस ने हम लोगों से झड़प की, मारपीट की, जिसमें हमारे एक ही कांग्रेस कार्यकर्ता का हाथ टूटा हुआ है। साथियों अब समय आ गया है जनता को आवाज बनने का, हम जनता से अपील कर रहे हैं, एक बार देश पुनः एक बार देश गोरों से छूटकर इन चोरों के हाथों में जा रहा है तो अपनी लड़ाई लड़ के आ पाए। अब हम लोग की गिरफ्तारी में लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, तानाशाही सरकार असंवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, निशान दृष्टि होगी। अध्यक्ष कांग्रेस प्रयागराज। शहर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से देश गरीब होता जा रहा है और भाजपा के सांसद, मंत्री, विधायक अमीर होते जा रहे हैं।